मेरे को ऐसा लगता है कि अभी राहुल गांधी जी को दोबारा से सॉफ्ट लॉन्चिंग की बहुत जरूरत है। वो बार बार लॉन्च होते चले जा रहे हैं और राजनीति में अपना एक असफल परीक्षण दोबारा करते चले जा रहे हैं। जिस हिसाब से टिप्पणी कर देते हैं किसी की जाति का, उसका किसी का सम्मान करना नहीं जानते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सबके होते हैं। उनको खुद नहीं पता कि ब्राह्मण है, खान है या पारसी है, कुछ पता चलेगा, या क्रिश्चियन है। अभी तो उनकी जात का कोई हिंदुस्तान वाले अभी असेसमेंट नहीं कर पाए हैं। सपना उनका दो बार बुरी तरह टूट चुका है, 2014 में 2019 में। 24 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके बाद कांग्रेस वाले खुद ही उन्हें निकाल देंगे पार्टी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिक भारत और मैं हूँ आपके साथ आशा तिवारी। कहते हैं कि देश में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन जब यही राजनेता जनजाति के चलते धरातल पर इस तरीके की बातें करे तो कैसे देखा जाए? जब प्रधानमंत्री को जाति के आधार पर देखा जाए तब क्या देखा जाए? क्योंकि अभी देखा जाए तो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के भीतर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने बात कही है कि प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के पद के दौरान में वो तेली समाज में थे, बाद में उन्होंने अपने आप को ओबीसी समाज में कन्वर्ट कर लिया, वो जातीय जनगणना कभी होने नहीं देंगे। लेकिन इस जातीय जनगणना को लेकर के जब जनजाति या अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को जब इस तरीके से बात की जाए तो लोग कैसे देखते हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर विशाल धरना किया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। यहाँ पर देखा जाए तो राम सिंह भदूड़ी जी भी हैं, सुनील यादव भी हैं और तमाम वो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिर जो राहुल गांधी का ये विवादित बयान है इसको लेकर के होश में उनको आना चाहिए। तमाम बातें हैं उसको लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। तो यकीनन देखा जाए और तमाम जो चीजें हैं कि हर बार देश को जातियों के आधार पर बांटना, देश को तो जातियों के आधार पर बांटा जाता था, जब देश के प्रधानमंत्री को जाति के आधार पर उनकी तुलना करना वो कितना जायज है। तो आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये राजनेता क्या कुछ सोच रहे हैं और आखिर इस तरीके के बयान को वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो किस तरीके से तमाम चीजों को देख रहे हैं राहुल गांधी का ये बयान, क्या लगता है कि जातिवाद का एक बड़ा एंगल ले सकता है? मेरे को ऐसा लगता है कि अभी राहुल गांधी जी को दोबारा से सॉफ्ट लॉन्चिंग की बहुत ज़रूरत है। वो बार बार लॉन्च होते चले जा रहे हैं और राजनीति में अपना एक असफल परीक्षण दोबारा करते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपने आप को बहुत धैर्य से बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। राजनीति में सन 1994 में जब से ओबीसी समाज को, तेली समाज को ओबीसी वर्ग में लाया गया है, राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं अपनी जातिगत नीतियों में वो कहीं ना कहीं विफल रहे। उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है आज भी भारतीय राजनीति को। और मुझे ऐसा लगता है कि खुद जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्या लगता है कि ये न्याय यात्रा के दरमियान जो ये न्याय की बात कर रहे हैं, ओबीसी फैक्टर की बात कर रहे हैं और जब प्रधानमंत्री की ही जाति बताने लग जाएं तो कैसे देखते हैं? मुझे कहीं ना कहीं दोबारा से फिर एक बार मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, मुझे कहीं ना कहीं फिर से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी दोबारा से एक बहुत सस्ती लोकप्रियता दिखाने के लिए उन्होंने दोबारा से प्रधानमंत्री जी पर, हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही जुझारू, बहुत ही देश के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत ही छोटी बात उन्होंने कह करके अपने आप का पल्ला झाड़ा और कहीं ना कहीं वो एक असफल राजनीति का पर्दे पाया। ओबीसी समाज इसको किस तरीके से देख रहा है? ओबीसी समाज बहुत नाराज है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी है इससे बहुत नाराज है। और अभी ये केवल ये चुनावी स्टंट के जो न्याय यात्रा की, किससे न्याय यात्रा मांग रही है? इनको कौन दुखी कर रहा है? यहाँ पर इनके तो कर्मी इनको दुखी कर रहे हैं। जिस हिसाब से टिप्पणी कर देते हैं किसी की जाति का, उसका किसी का सम्मान करना नहीं जानते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, किसी एक एक वर्ग का नहीं, सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये बयान वोटों को हासिल करने का एक एजेंडा तो नहीं? बिल्कुल, ये खाली एक कहते हैं ना अफवाह फैलाना, लोकप्रियता झूठी अपने जो काम करना, वो ये काम कर रहे राहुल गांधी। और हमारे साथ सुनील जी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहना है। सुनील जी, लगातार इन सारी चीजों को लेकर के कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है संपूर्ण रूप से एक ओबीसी फैक्टर को अलग एजेंडा लेकर के जाने की, लगातार ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इस न्याय के दरमियान इस तरीके की बयानबाजी, क्या वाकई ओबीसी को बांटने का कोशिश किया जा रहा है? नहीं, राहुल गांधी जी सिर्फ पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि राहुल गांधी को पप्पू भी कहते हैं, वैसे हमें जानकारी कम है और वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और उनको खुद नहीं पता कि वो ब्राह्मण है, खान है या पारसी है, कुछ पता चलेगा, या क्रिश्चियन है। अभी तो उनकी जात का कोई हिंदुस्तान वाले अभी असेसमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो इतना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद
जिनको लोग पप्पू कहते हैं, वो मोदी जी की जात पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये तेली समाज में आते हैं कि नहीं आते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने सरकार के रहते हुए अपने आप को उन्होंने ओबीसी बनाया था, जबकि 1994 में ना तो मोदी जी एमएलए थे, ना विधायक थे, ना एमपी थे, ना सांसद थे, ना मिनिस्टर थे, ना प्राइम मिनिस्टर थे। तभी से वो तेली समाज, पारसी समाज, ओबीसी समाज में आता है, लेकिन केवल उनकी यात्रा सफल हो जाए इसलिए वो बड़े नाम के साथ। कांग्रेस जो है लगातार जाति जनगणना की बात करती रही, उसका समर्थन करती आई है, लेकिन इस बीच जब प्रधानमंत्री को लेकर के तंज कसा जाए तो क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री अब जातियों के हिसाब से चुने जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो अभी पहली बार ओबीसी समाज का कोई देश का प्रधानमंत्री बना है, और पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश में 50% से ज़्यादा समाज ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, और इनको मौका मिले, इन्होंने कभी ओबीसी समाज को आगे नहीं आने दिया। ये खुद ही प्रधानमंत्री बनते हैं, चाहे ये किसी भी जात के हों, लेकिन अब जनता समझ गई है कि भैया जो काम करेगा, काम के आधार पर जनता उसको चुनेगी, और मोदी जी ने काम करके दिखाया है। चाहे धारा 370 हटाई, कह रहे थे खून की नदियाँ बह जाएंगी, राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता ये इनका जुमला है, और सड़कें बनेंगे नहीं देश की, बिजली पानी फ्री होगा नहीं, सब मोदी जी ने जब कर दिया तो उनको लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तो अब जाति जनगणना की बात कर लेते हैं। खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो और उस बीच इस तरीके का विवाद बयान दे देते हैं, तो क्या लगता है? सपना उनका दो बार बुरी तरह टूट चुका है, 2014 में और 2019 में। 24 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके बाद कांग्रेस वाले खुद ही उन्हें निकाल देंगे पार्टी से, कि उनके नाम पे कुछ हो ही नहीं रहा, उनके गठन, उनका सपने अपने सब बंद हो जाएंगे 24 के बाद, जब 400 से ज्यादा बीजेपी की सीटें आएंगी। सवाल लूंगी कि इस प्रदर्शन को किस स्तर पर ले जाने का आप लोगों का प्रयास है? ये जो मोदी, जो राहुल गांधी ने ओबीसी समाज की बदनामी करी है, ओबीसी समाज को बदनाम करने की कोशिश करी, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करी, ये सही टाइम पे उन्होंने ये अच्छा मौका दे दिया हम ओबीसी समाज वालों को। हम इनको 2024 में सबक सिखाएंगे, हर जिले, हर मंडल, हर विधानसभा तक हम इस प्रदर्शन को लेके जाएंगे, हर जगह इसका पुतला फूंकेंगे जब तक ये माफी नहीं मांग लेते। तो यकीनन इस बात को देखकर के साफ तौर पर ये समझ में आता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का ये जो बयान है, वो उस बयान को किस तरीके से आड़े हाथों लिया जा रहा है, और उधर भाजपाइयों का ये प्रदर्शन भी साफ तौर पर इस बात की को कहता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये जात पात की राजनीति करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जातियों के आधार पर जनता को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होते दिखेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।